कैसा चाहिए आगा? इब्रो, कबू मंडा कर को। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बड़ा चाय है नीलाबर, फेमस है। बहुत दिन से हम यहाँ पीने आते रोज है टाइम में। तो कितनी दूर से आते हैं आप लोग यहाँ पर? अल्लाह पहले से आते हैं। कैसी है भाई यहाँ की चाय? हम डेली आते हैं। यहाँ आप डेली आते हैं चाय पीने के वास्ते? मतलब बहुत अच्छी है एकदम। फर्स्ट क्लास चाहिए? क्या बोलेगी? 15 किलोमीटर से दूर से आ रहे हैं आप खाली चाय पीने के लिए यहाँ की पैराडाइज? ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। शादब किसे? अच्छी है? अच्छी नहीं है यार। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जाएंगे हैदराबाद की टॉप 5 होटल जहाँ की चाय हैदराबाद की बेस्ट चाय इन 5 होटल में कौन सी है, तो आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। तो लेट्स गो, चलते हैं। हम लोग फर्स्ट जो है यहाँ पर शादाब होटल में आए और यहाँ की पहली चाय हम लोग यहाँ की ट्राई करेंगे कि ये शादाब होटल की चाय कैसी है। उसके बाद मैं आपको और बताऊंगा कि अमेजिंग चाय जो हैदराबाद में है ईरानी चाय और कहाँ कहाँ अच्छी मिलती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं शादाब होटल कितना क्राउड है और यहाँ की चाय जो है यहाँ पर मदीना में बहुत फेमस चाय है, एक शादाब होटल है। और उसके बाद और 3-4 होटल्स ऐसी अलग अलग है जो हैदराबाद में फुल फेमस है जहाँ की चाय अच्छी है। अब ये हमारा फर्स्ट यहाँ का एक्सपीरियंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग और दूसरी जगह जाके चाय इधर की और अच्छी अच्छी चाय है वो भी देखेंगे। ये शादाब की चाय अच्छी है। कितने टाइम से फिर आप यहाँ पर? 4 ईयर से यही पे। कैसा ना चाय आगे? अच्छी भी है यार। तो गेम बचाना, बहुत ज़्यादा पब्लिक होने की वजह से हम लोग इसका प्रोसेस नहीं बता सकते कैसा इतना क्राउड है यहाँ पे। अब मैं खुद यहाँ की चाय ट्राई करूँगा। हाँ, तो यहाँ की चाय जो है अच्छी है काफ़ी। अब चाय में ईरानी डिश है वैसे नहीं, जो यहाँ का खासकर हैदराबाद की फेमस है, हैदराबाद की ईरानी टी। तो जो टी है ये 20 रुपीज़ में आ रही है। तो ईरानी चाय के हिसाब से इसका प्राइस बराबर ही है, बहुत ही अच्छी टी है। अब इसके बाद हम लोग दूसरी जगह पे भी ट्राई करेंगे। हैदराबाद शादाब होटल में ट्राई किया था, ये 35 ईयर्स ओल्ड होटल है यहाँ की मदीना की। तो यहाँ की चाय भी अच्छी थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दूसरी जगह जाएंगे और वहाँ की चाय देखेंगे कैसी है। तो ये सेकंड जो हम लोग आए हैं पिस्ता हाउस, ये डोली चौकी का ब्रांच, यहाँ पर हम लोग जो है ज़ाफ़रानी टी ट्राई करेंगे। देख सकते हैं आप कितना क्राउड है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर 2 सेक्शन है, ये टी सेक्शन है और ये सेकंड जो है यहाँ पर पिस्ता हाउस का जो है, यहाँ पर ये फैमिली सेक्शन और उसके अलावा यहाँ पे बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह सब मिलता है। अब हम लोग सेकंड यहाँ पर ट्राई करेंगे। ये जो है ये ज़ाफ़रानी टी है, तो इसमें इसका प्राइस जो है 35 रुपीज़ है। तो ये ऐसा प्रोसेस रहता है, ये नॉर्मल टी का अलग है और ये ज़ाफ़रानी टी का, तो ये ज़ाफ़रानी टी का अलग बना है सेक्शन और ये नॉर्मल टी का अलग रहेगा। तो यहाँ पे ये कितने साल पुराना है ये यहाँ का पिस्ता हाउस? क्या बोले? हाँ, मतलब कितना टाइम हुआ ये? शाली बंडे का तो मेरे को मालूम है। तो ये है ज़ाफ़रानी टी और ज़ाफ़रानी टी में ऐसा ज़ाफ़रान के साथ, तो देख सकते हैं आप कितने सारे चाय के वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, अंडियाँ रखे हुए। और क्राउड भी देखो आप कितना सारा है यहाँ पर। यहाँ पे जो है लोग दूर दूर से आते हैं चाय पीने के वास्ते। उसके अलावा यहाँ पे बेकरी आइटम्स भी है, बन मस्का है, बन मस्का भी है और ये उस्मानिया बिस्किट्स। ये जो है ज़ाफ़रानी चाय, इसका प्राइस जो है 35 रुपीज़ है और इधर एक नॉर्मल टी भी मिलती है, उसका प्राइस 20 रुपये है। तो मतलब मैंने यहाँ की स्पेशल ज़ाफ़रानी चाय जो है ट्राई करा और बहुत ही अच्छी ज़ाफ़रानी चाय है,
ऊपर इसका एक अलग ही अंडा रहता है चाय का, और इसके ऊपर अलग से ज़ाफरान भी डाल के देते हैं, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है। इसीलिए यहाँ पर इतना क्राउड है, देखिए आप पीछे। कैसी है भाई यहाँ की चाय? हम डेली आते हैं यहाँ, आप डेली आते हैं चाय पीने के वास्ते? मतलब बहुत अच्छी है एकदम। 90% जो क्राउड है यहाँ का डेली है, डेली आने वाले लोग हैं यहाँ की चाय पीने के लिए। थर्ड में हम लोग यहाँ पर आए हैं नीलोफर कैफे, तो इतना क्राउड है यहाँ का। ये नामपल्ली की सबसे फेमस होटल है नीलोफर, और बहुत पुरानी होटल है, और यहाँ पर क्राउड देखो, अब इतना क्राउड है जैसे फ्री में चाय बांट रहे हैं। क्या चाहिए यहाँ का? इब्रा कबू मंडा बड़को शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बड़ा चाय है नीलाफर, फेमस है। बहुत दिन से हम यहाँ पीने आते हैं, रोज आता है। तो कितनी दूर से आते हैं आप लोग यहाँ पर? मल्लापल्ली से आते हैं भाई। तो आप लोग मल्लापल्ली से, मतलब उतनी सारी होटल छोड़ के खासकर यहाँ नीलाफर की चाय? अंबरपेट से आया। तुम अंबरपेट से आए? अरे आप नलगुंडा से आके चाय पी? तो बहुत फेमस है, और इसकी पार्किंग जो है अलग से है सामने। बस है यहाँ की ये होटल मल्लापल्ली की, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पर जो है दूसरे चीज़ बन मस्का वगैरह। तो अब हम लोग यहाँ की भी चाय ट्राई करेंगे, कैसी चाय है यहाँ की। तो ये पूरा मेन्यू है यहाँ पर, जो जो चीज़ मिलती है, उस्मानिया बिस्किट, बन, शेरमाल पूरा, और यहाँ फैम बिस्किट वगैरह भी मिलती है बहुत। देखो क्राउड कितना है यहाँ पे, खासकर यहाँ पर चाय पीने लोग जो है दूर दूर से आते हैं। 20 रुपये की चाय है आगे, पूरा अंदर चाय का प्रोसेस है। हम इनको नंबर दिए, यहाँ पर अंदर पूरा चाय ऐसा बनता है। अंदर एंट्री नहीं होने की वजह से हम लोग बाहर से आपको पूरा मिलेगा। यहाँ की चाय का जो कप है, अब तक हमने जो तीसरी जगह पर चाय पी रहे हैं, ये कप थोड़ा बड़ा है। और यहाँ पे जो क्राउड है, मतलब यहाँ से दूर दूर से खासकर ये नीलोफर के नाम से यहाँ पर आते हैं चाय पीने के वास्ते। तो यहाँ की चाय भी हम लोग ट्राई करेंगे, कैसी है आपको बताएंगे। ये चाय मतलब थोड़ा डिफरेंट चाय है, ईरानी चाय के हिसाब में थोड़ी अलग चाय है। अब जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पे पिस्ता हाउस में केसर वाली जो चाय पिए थे वो बहुत ज़बरदस्त थी। अब यहाँ की भी चाय जो है अच्छी है, इतने क्राउड, मतलब इस क्राउड के हिसाब से तो चाय भी बेहतरीन है। अच्छी है चाय यहाँ की भाई? अच्छी है। तो कहाँ से आए आप लोग यहाँ चाय पीने खासकर? आप मशीराबाद से? आप अच्छा, आप नाम ही मशीराबाद से, मतलब मशीराबाद में इतनी होटल ही छोड़ के यहाँ पर खासकर चाय पीने आए? अच्छा, यहाँ की चाय वेस्ट है बोलकर आए क्या? ये हमारा फोर्थ लोकेशन है शागोज होटल। अब ये हैदराबाद की सबसे पहली शागोज है, जो कि शाली बंडे पे है। यहाँ की भी चाय जो है बहुत ही फेमस है, यहाँ पर भी बहुत क्राउड रहता है अंदर। ये स्ट्रेट है, अंदर जाना पड़ेगा। और ख़ासकर यहाँ पर जो है रमज़ान की हलीम बहुत अच्छी मिलती, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल टी मिलेगी। ये देखो, अब यहाँ की भी चाय ट्राई करेंगे हम लोग। तो ये है शागोस होटल की चाय, यहाँ पर ये अंडा ये है, और हर जगह की अलग अलग ग्लास है। अब ये शागोस की ग्लास देखो, और यहाँ की भी चाय बहुत ज़बरदस्त रहती है। ये शागोस है, ये खासकर बहुत ही फेमस है हलीम के लिए। रमज़ान में हलीम का क्राउड यहाँ पर इतना ज़्यादा रहता है, और हलीम के साथ यहाँ पर दो लोग हैं चाय ट्राई करते हैं, और यहाँ की चाय भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ज़्यादातर जो चाय का प्राइस है वो हर जगह पे इक्वल सा 20 रुपीज़ ही है, और सिर्फ एक जगह जो है पिस्ता हाउस में 3-4 चाय का ऑप्शन है। वहाँ पर जो है एक ज़ाफ़रानी चाय है और एक नॉर्मल चाय है,
तो हम लोगों ने वहाँ पर नॉर्मल चाय नहीं ज़ाफ़रानी चाय लिए थे। और हर जगह पे जाते हैं कि पिस्ता हो उसमें छोड़ के, जैसे शादा होटल, शागोस होटल और नीलोफर होटल, उसमें सिर्फ एक ही चाय का ऑप्शन है जो नॉर्मल टी। पिस्टा हाउस में आपको दो तीन चाय का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ की अच्छी चाय जो ज़ाफ़रानी चाय है वो 35 रुपीज़ की है, और जैसे कि दूसरी होटल्स में जैसे मैंने ट्राई करा वो हर जगह पे 20 रुपीज़ की चाय है। अब इसके बाद हम सब गाइस फाइनली हम लोग आए गए हैं पैराडाइज कैफ़े। तो ये पैराडाइज की पूरी ये बिल्डिंग ही है, पैराडाइज होटल है। ये चाय सेक्शन जो है इधर अलग है पैराडाइज का, और उसके दूसरे बैक साइड में मतलब पैराडाइज की बिरयानी और बैठ के फैमिली सेक्शन खाने का पूरा उसके दूसरे साइड में, यहाँ से जो लेफ्ट साइड में, यहाँ से राइट साइड की जो गली है उधर से, और ये इधर का पैराडाइज का एंट्रेंस है। ये मतलब चाय का और चाय के दूसरे सेक्शन वगैरह पूरे अलग अलग है। तो ये भी बहुत फेमस चाय है यहाँ पर पैराडाइज की। अब हम लोग भी यहाँ से चाय लेंगे। भैया कितने साल पुरानी होटल रहती है भैया? ये 1953 का है। तो 1953 में ये होटल बनी थी पैराडाइज की। दो चाय एक पानी का। तो देख सकते हैं आप यहाँ की चाय जो है वो 15 रुपीज़ की है। यहाँ पर स्नैक्स भी है, बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्री। वहाँ से टोकन लेके यहाँ से चाय लेना है, एक चाय को भैया। तो कितने साल से जॉब कर रहे हैं आप यहाँ पे? सिक्स मंथ ही हुआ। तो दिन में ज़्यादा क्राउड रहता, शाम में रहता क्राउड? दिन में रहता। तो क्राउड जो है दिन में ज़्यादा रहता है, अभी शाम रात के 10 बज रहे हैं फिर भी क्राउड अच्छा है। और चाय के अलावा यहाँ पर लस्सी वगैरह भी मिलती है। अब यहाँ की चाय हम लोग ट्राई। ये जो पैराडाइज है वो सिकंदराबाद की सबसे बड़ी पैराडाइज यही है मेन, सिकंदराबाद मतलब रानीगंज के आगे आने के बाद चौरस्ते पे पैराडाइज है। तो इसकी चाय भी इतनी खास नहीं है लेकिन अच्छी है चाय इसकी भी। कैसी है चाय? कैसी है जी वो बोलो? अच्छी है। कैसी अंकल चाय यहाँ की? फर्स्ट क्लास चाय है। क्या बोलेंगे? 15 किलोमीटर से दूर से आ रहे आप खाली चाय पीने के लिए यहाँ की पैराडाइज? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और तुम्हारा कैसी लगी? अच्छी है। एंजॉय दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एमएनएम ब्लॉग्स को। फिर से मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।